सो हे गाइस, सभी को राम राम दिल से। भाई आज की स्टार्टिंग हो रही है व्लॉग की, भाई रोटी बनाने से। जी हाँ, आज भाई तुम्हारा भाई बना रहा है रोटी। भाई ये भी मतलब पहली बार नहीं देख रहे क्या? मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स काफ़ी बार देख रहे होंगे, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है रोटी। वही जानता है जो सिर्फ बनाता है। भाई हर किसी के बस की बात नहीं है बनानी रोटी। तो गाइज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, भाई रोटी का नक्शा कुछ इस तरीके से है। थोड़ा भारत का नक्शा है, बट थोड़ा इग्नोर करियो भाई मैं, क्योंकि यार गोल नहीं बन पाती। कभी कभी बन जाती है, कभी कभी गोल नहीं बना पाता मैं, कभी कभी बना देता हूँ। अगर मेरे हाथ की रोटी खानी होगी तो भाई जली हुई खानी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी जली हुई खानी पड़ेगी आप लोगों को, पर खा लोगे। मुझे पता है आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो तो खा ही लोगे यार। अरे अरे दोस्तों देखो, ये थोड़ी सी जल गई, थोड़ा गर्म तवा गर्म है ना, तो भाई ये इतने सिक जाएगी, यहाँ पर सिक जाएगी इतने में रोटी को खा गई जो चीज मैंने बनाई। हाँ ये रही, इस वाली रोटी को मैं सबसे पहले घी लगाता हूँ, घी लगा के खाऊंगा ना। तो भाई घर के कहाँ है, घर के सब लोग यहीं पर ही है, सब भाई काम कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ रुको कहाँ पर है घर के सारे। मेरी इस मेहनत के लिए बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और लाइक आप कर दोगे मुझे पता है। तो दोस्तों भाई मम्मी कर रही है अपना वर्क, जो कि आंगनवाड़ी का काम है मम्मी वो कर रही है। अम्मा मुझे देख रही है, ठीक है, अम्मा कह रही है बना ले कोई बात ना, ठीक है। और चाचा का लड़का आया हुआ है, तो भाई ये रोटी का नक्शा देख लो तुम, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा नक्शा टेढ़ा मेढ़ा होएगा, बट काम चलाऊ होगा और पेट भरने लायक होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को स्माइल के साथ हाई कर रहा हूँ और राम राम कर रहा हूँ दिल से। तो भाई मेरी राम राम ले लो आप लोग दिल से। और जो भाई वो फोटो था, वो फोटो मैंने इस वाले रूम में लगा लिया, ठीक है, अपने मतलब सिस्टम वाले रूम में नहीं, मतलब स्टूडियो में नहीं, अपने साइड वाले रूम में मैंने लगा लिया। ये देखो प्यारा लग रहा है काफ़ी। और इसी के साथ भाई डॉलर इसमें कोई मतलब नहीं है, ये आराम से खा पी के लेटा हुआ है, कोई रहो कोई जियो कोई कुछ ही करो भाई, इसको कोई मतलब नहीं है। तो राम का नाम लेके जय श्री राम और माँ भगवत मैंने पढ़ ली है। मैं ये बोलता हूँ आप लोग भी पढ़ा करो, डेली मैं एक दो पेज पढ़ता हूँ, और जय श्री राम भगवान को बोल कर सीधा मैं अपने फेस की आप लोगों को स्माइल दिखा कर अपनी खोलता हूँ पेटी। पेटी में क्या है ये मैं आप लोगों को बताया, तो भाई ये गोप्रो का सारा सामान है, ठीक है। तो ये भाई ये एक चीज़ मैंने निकाली है जादू, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ क्या जादू है। तो जादू कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक बेल्ट है, जो ये बेल्ट है ना ये खोपड़ी की बेल्ट है। खोपड़ी की मतलब अभी मैं बताता हूँ, रुको कैमरे को लगा देता हूँ। तो भाई फ़ोन को मैंने लगा दिया, साइड में लगा दिया, देखो मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों जो बेल्ट है ना, वो बेल्ट क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भाई ये बहुत ही बढ़िया बेल्ट है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ रुको क्या। और यहाँ पर भाई बेल्ट मैंने अपनी खोपड़ी में पहन ली, भाई ये बहुत ही टाइट है, सीरियसली मेरी खोपड़ी में भी लग रही है, मैं एकदम लास्टिक है, और सर दर्द भी थोड़ा सा कम हो रहा है इससे, सही चीज़ है भाई ये। तो मैं बताता हूँ अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा गोप्रो कैमरा है ना दोस्तों, गोप्रो कैमरा तो आप लोगों ने मेरा कई बार देख लिया है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसको मैं अपने माथे पे सेट कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ सेट ये भी मैं बताऊँगा, क्योंकि ना इससे व्लॉगिंग मेरी बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो गाइस ये लो भाई, मैंने कैमरा बिल्कुल सेट कर दिया बेल्ट पे। तो भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे ना व्लॉगिंग मेरी बहुत ज़्यादा ईजी होएगी और बेहतरीन होएगी। कैसे मैं बताता हूँ, मैं ना अपने हाथ में मोबाइल लेके व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है। आज से ये ना मैं अपने हाथ में व्लॉग फ़ोन नहीं लूँगा, अपना गोप्रो लगाया खोपड़ी पे, मतलब इस तरीके से सर पर लगाया, और सारे काम करता रहूँगा और व्लॉगिंग भी होती रहेगी। रुको दिखाता हूँ कैसे। ये लो दोस्तों मैंने लगा लिया सिर पर, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रुको। तो भाई आज से भाई मोबाइल मैंने रख दिया साइड में, लोग गोप्रो चल गया, थोड़ी सी लाइटिंग भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बताता हूँ मेरा काम क्या है भाई, अभी मैंने पेचकस उठा लिया। पेचकस क्यों उठाया है, तो देखो दोस्तों मेरे हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, बस खोपड़ी पे अपने सिर पे लगा रखा है मैंने कैमरा, और ये अपना डॉलर, डॉलर को प्यार करता हुआ मैं एकदम से। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखो दोस्तों ये लग गया मेरा गोप्रो, थोड़ा सा इसको नीचे करना है, क्योंकि जो सामने नीचे का व्यू नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर का व्यू आ रहा है, इसको थोड़ा सा ढीला करके मुझे नीचे करना है। अब ठीक है, अब इतना नीचे ठीक है, देखो ये दिखा डॉलर, ये सारी चीज़ दिख गई। तो भाई ये जो अपनी बाइक है ना, बाइक पे क्या रखा है, अपना लोवर रखा हुआ है, इसको हटा तो भाई सीन क्या है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये अपनी जो स्प्लेंडर है ना, है तो एमटीवी, पर ये स्प्लेंडर थोड़ी सी क्या दिक्कत है, दिक्कत मान रही है, दिक्कत तो मानेगी क्योंकि काफ़ी पुरानी है, मेरे पिताजी की थी ये, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं ही चला रहा हूँ इसको। तो भाई ये चाबी से मैं ऑन कर रहा हूँ, बट ये ऑन नहीं हो रही, क्योंकि ये बैटरी इसकी डाउन हो रही है दोस्तों।
तो गाइज स्टैंड पे लगा के बैटरी भाई मुझे निकालनी है बाहर, क्योंकि बैटरी को फिर चार्ज लगाने के लिए मुझे ले जाना है। तो भाई मैंने खोल तो दिया इसके पेच, अब मैं इसकी बैटरी बाहर निकाल लेता हूँ बाइक की। पहले पूरी मेहनत करने के बाद भाई पेचकस घुमाने के बाद भाई मैं बैटरी को निकाल तो रहा हूँ, बट यार एक दिक्कत हो रखी है। क्या हो रखी है वो रुको मैं बता दो। सबसे पहले मैं इसके बोल्ट नट एकदम ढीले कर लेता हूँ और इसको मैं साइड में से निकाल लेता हूँ। तो भाई दिक्कत क्या आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बताता हूँ। जो इसका एक बोल्ट है ना भाई, ये बोल्ट भाई इसका निकलेगा कैसे, प्लास से। अब मैं प्लास ढूंढूंगा रुको, क्योंकि ये ना भाई पेचकस से नहीं निकलेगा। एक बोल्ट है ये हटेगी, जो ये पत्ती दिखाई दे रही ना, ये पत्ती हटेगी इसकी। तो गाइज मैं भाई ढूंढने के लिए प्लास ढूंढने के लिए अपने रूम में आता हूँ, बट मुझे इस ड्रॉर में बिल्कुल भी नहीं मिलता। इस ड्रॉर में थोड़ा सा काम का सामान मिलता है जो फंसा हुआ है ठूस ठूस कर, बट मुझे इसमें प्लास बिल्कुल भी नहीं मिलता। और मुझे दोस्तों इसी के साथ भाई दूसरे ड्रॉर में भी नहीं मिलता, मुझे पता है यार बिल्कुल नहीं मिलने का, बट एक मिला है, नए वाला नहीं मिला, पुराना मिल गया। मैं नया फिर भी ढूंढ रहा हूँ, पुराने की टांग टूटी हुई है देखो दोस्तों प्लास की। अब मैं इस प्लास से भाई पूरी कोशिश करता हूँ घुमाने की, बट ये नहीं खुलता। मैं इसको भाई मारता भी हूँ कि ढीला हो जाए, बट ये भाई नहीं खुल रहा। इसके लिए भाई चाबी चाहिए, और ये मिलेगी चाबी भाई मिस्त्री को, मिस्त्री के पास। इसलिए भाई दोस्तों मैं थका हारा बिल्कुल हार चुका था, मतलब कि पूरी कोशिश कर ली मैंने, बट ये बैटरी बिल्कुल, क्योंकि ये बोल्ट भाई खुलेगा एक चाबी से। मैंने प्लास से बिल्कुल घुमाने की कोशिश कर ली और हाथ से भी छेड़ रहा हूँ, बट ये हिलने का नाम तक नहीं ले रहा। तो भाई मैंने भाई इसकी ले ली एक फ़ोटो। अब ये फ़ोटो मैंने ले ली क्यों, क्योंकि भाई अपने फ़ोन में फ़ोटो ले ली। अब मैं जा रहा हूँ सीधा कहाँ पर भाई, मिस्त्री के पास। भाई मिस्त्री भाई साहब के पास मैं बाइक भी ले जा सकता था, बट मुझे पूरा यकीन था कि मैं खोल दूंगा अपने ऊपर, इसलिए भाई मैंने बाइक खोलने की कोशिश करी और भाई मैं चल दिया धूप में कहाँ पर, मिस्त्री अंकल के पास। क्योंकि भाई मुझे ना चाबी लेकर आनी है 10 नंबर की, उससे भाई क्या होगा कि उससे मैं बोल्ट खोलूंगा। और कैमरा मैंने रख लिया अपने पॉकेट में, छोटा सा तो है ही अपना कैमरा। अभी तक दोस्तों हमारी गली का काम भाई पूरा भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई रोड बहुत लंबी चौड़ी है ना, इस वजह से भाई लगे पड़े हैं मिस्त्री, और भाई आगे पीछे तक सारी जगह से भाई इन्होंने क्या कर रखा है, खोद रखा है। रास्ता बिल्कुल भी नहीं है भाई, रास्ता तो है नहीं, फिर भी मैं ईंटों पर पैर रख रख के भाई रास्ता बना बना के भाई मैं निकल रहा हूँ सीधा, क्योंकि मुझे चाबी लेकर आनी है अब, क्योंकि ये बैटरी मुझे ठीक करवानी है। ठीक क्या करवानी, इसको चार्ज पर लगाना, और मुझे जाना है सामने। तो चलो चलते हैं फिर। और ये भाई सारा लोअर गंदा भी हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी बाइक खोल दी हो। सीधा भाई बाइक वाले के पास आ गया मैं, ठीक है। और यहाँ से भाई पन्ना उठा के, जो वो चाबी है जो पन्ना है उसको उठा के भाई मैं चल दिया भाई से पूछ के, परमिशन लेके, ऐसे नहीं परमिशन लेके भाई मैं चल। और मिस्त्री भाई इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आप देने आ जाना। तो भाई हाथ में पन्ना लेके चाबी लेके मैं चल दिया। तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला है, ये भाई 10 नंबर, ये 10 नंबर बोल्ट में लगने के बाद खुल जाएगा। कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं एक बैटरी को खोलने के लिए, और मैंने आते के साथ ही एक हाथ से लगा दिया। तो भाई मैंने एक ही हाथ से भाई ये बोल्ट खोल दिया, ये देखो, मतलब थोड़ी सी जान लगाई, फिर मैंने ढीला हो गया, फिर मैंने ये अपने बाएं हाथ से खोल दिया। और ये देखो दोस्तों बैटरी भाई हाथ में भी आ गई, मैंने निकाल ली। अब इस बैटरी को देने जा रहा हूँ मैं कहाँ पर, चार्जिंग के लिए। और साथ में भाई का पन्ना भी ले लिया, जो चाबी है वो भी ले ली, और बैटरी भी ले ली, और दोनों चीज़ देने के लिए जा रहा हूँ सीधा गेट खोल के भाई के पास। तो भाई का भाई दुकान बहुत पास में ही है ना, इसलिए मैं पैदल आना जाना कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। देने के बाद दोस्तों जैसे मैं बाइक पर आया, तो मैं ये सोच रहा हूँ इसको बंद करूँ या ना करूँ। फिर डॉलर को देखता हूँ मैं, यार इसको बंद कर देता हूँ वरना डॉलर इसकी तार वार खींच देगा, तो इसका ढक्कन लगा ही देता हूँ मैं। तो बाइक को भाई बंद बंद करके ढक्कन वक्कन लगा के सीधा चाची के घर पर आया। चाची पी रही है भाई चाय, हंसती हंसती रहती है, ये इनकी स्माइली है अच्छी। तो भाई इसी के साथ भाई मम्मी भी यहीं पर ही है, और मम्मी कर रही है आंगनवाड़ी का भाई कंटिन्यू वर्क। भाई मेरी मम्मी लगी रहती है, चाहे चाची का घर हो चाहे अपना घर हो, हर जगह भाई। चाची ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि हाँ हम लोग बैठे हैं कि चाय पी लो, चाची कह रही मैं ना पूछती। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी चाची को भाई उठाने लगा कि मैं उठा दूंगा, तो मैं गोदी में उठा दूँ, चाची कह रही मैं ना उठने की। मैं कह रहा मैं तुम्हें गोदी में उठा दूंगा चाहे कितने वजन हो। तो भाई मम्मी ने मुझे डांट दिया, धमका दिया, उन्होंने कहा रहन दे नले हो जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, तू रहन दे, बहुत ज़्यादा वजन है। फिर चाची भी कहने लगी वजन है मेरे में, हट जा, इतना वजन है तेरे बस की ना उठना उठाना। तो इसी के साथ दोस्तों थोड़ी सी भाई मस्ती वस्ती करी मैंने यहाँ पर, चाची को थोड़ा सा परेशान करा, जो कि भाई मैं हर बार करते रहता हूँ चाची को परेशान, जैसे चाची मेरी दोस्त हो इस तरीके से मैं भाई परेशान करता रहता हूँ अपनी चाची को। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज के इस व्लॉग को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थोड़े से आपको डोलो सेले दिखा रहा हूँ, ये आज की भाई आप फ़ोटो ले लो, सेल्फी ले लो। तो ठीक है फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में कल। जय श्री राम दिल से।